हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस एक और बड़ी अपडेट कल्कि की ओवरसीज एडवांस बुकिंग को लेकर के आ चुकी है। टेक्सस अकेले से बहुत जबरदस्त रैम्पेज मोड पर एडवांस बुकिंग चल रही है, जबकि अभी ऑफिशियली ओपन भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा मैडनिंग हो चुका है इस वक्त पे। सिर्फ और सिर्फ टेक्सस सिटी का मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ में यूएसए का जो टोटल नंबर अपडेट होकर के आ गया उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, 10 से 12 ही घंटे हुए हैं अभी तक, केवल 10 से 12 ही घंटे हुए हैं अभी तक केवल टेक्सस में सिलेक्टेड लोकेशन में कल्कि की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। मगर आप नंबर सुनकर पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो, बिकॉज $100,000 हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड गाइज। यस, यू हर्ड इट राइट, मतलब $100,000 अकेले टेक्सस से ही आ चुका है। नाउ दैट इज कॉल्ड रैम्पेज मोड, एक ऐसा रैम्पेज मोड जो इससे पहले हमने नहीं सुना, नहीं देखा, जिस फिल्म की अभी तक सॉन्ग्स नहीं आए, ट्रेलर नहीं आया, और ओवरसीज में एडवांस बुकिंग में ये हाल चल रहा है। भाई साहब, जब ट्रेलर आएगा तब क्या होगा, उससे पहले अगर ओवरसीज एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज्ड हो, ओपन हो गई, तब क्या होगा, गाने आएंगे तब क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि अविश्वसनीय, इससे पहले नहीं देखा गया ऐसा। जो हमने सलार में देखा था उससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई करके डबल ट्रिपल टाइम्स टेन फोल्ड कह लो हो चुका है कल्कि का मामला यहाँ पे। साथ ही साथ आपको मैं बता रही हूँ कि मतलब $2,00,000 अभी कहीं नहीं गया, कुछ देर में ही हो सकता है ये अपडेट होकर के आ जाए। आज शाम तक तो पॉसिबिलिटी है अपडेट होकर के आ जाए, लेकिन 24 घंटे में हमारे पास एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ जाती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और वही मैं आपसे इस वक्त पे शेयर करने वाली हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल नंबर। ओके, अभी नंबर सुनो क्या है कल्कि का यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स। फिल्म को रिलीज होने में 20 दिन बाकी है इंडिया में और 19 दिन बाकी है यूएसए में, मतलब ओवरसीज में, और अभी तक का नंबर आ चुका है, दिस इज एक घंटे पहले का नंबर, $1.34 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है 116 लोकेशन से, 474 शोज हैं एंड 4211 टिकट्स जो हैं ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर और भी चीजें लिखी हुई हैं, मेजर थिएटर्स हैव स्टार्टेड फास्ट फिलिंग ऑलरेडी, अ ह्यूज नंबर ऑफ आईमैक्स पीएलएफ शोज हैव ओपन्ड विद मेनी मोर येट टू ओपन, ओनली 20 डेज टिल द प्रीमियर। ओ माय गुडनेस, दिस इज लिटरली रैम्पेज। ये नहीं किसी ने सोचा होगा कि फिल्म रिलीज होने से पहले, उसके गाने भी आने से पहले, उसका ट्रेलर भी आने से पहले, और ऑफिशियली ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले $2,00,000 अकेले, मतलब 1,00,000 अकेले टेक्सस से, और टोटल अगर सारा का सारा देखा जाए अभी तक यूएस से, भाई मैड नंबर्स आ चुके हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा था, आज हो सकता है यूके में कई जगहों पर लोकेशंस पर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए, बाकी कंट्रीज में भी ओपन हो जाए, ओवरसीज की बात हो रही है यहाँ पे, सो हमको उसी का इंतजार करना है। लेकिन ये देखने के बाद जितने भी फैंस हैं अब वो पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं दो तीन चीजों की, वो ये हैं, सबसे पहले तो काउंटडाउन पोस्टर्स ऑफ ट्रेलर आना चाहिए, दूसरी चीज हिंदी में जब ट्रेलर आएगा हिंदी की डबिंग क्या होने वाली है, क्या हिंदी का भी साथ में ट्रेलर रिलीज होगा, करना चाहिए, और अगर होगा तो हिंदी में प्रभास की वॉइस कौन करने वाला है, क्या वो शरद केलकर होंगे या खुद ही प्रभास होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक तरीके से टसल मची हुई है इन द हिंदी बेल्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट टाइम जिस तरीके से जब टीजर हमने देखा था ऑफ द प्रिल्यूड, मैं प्रिल्यूड टीजर की बात कर रही हूँ, वो हिंदी में आने में कुछ समय लग गया था, और वो भी जो वॉइस थी, वॉइस ओवर था, लोग ये चाहते थे कि शरद केलकर की ही आवाज हो, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट लाइक कल्कि, व्हेन इट कम्स टू अ 600 करोड़ बजट मूवी, दे कैन नॉट बी एनी रिस्क टेकन। सो इसीलिए लोगों का अपना सवाल और ये जो एक कंसर्न है अपनी जगह पर है, लेकिन यार ये नंबर्स देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं बचा है कि चाहे नॉर्थ बेल्ट हो, चाहे साउथ बेल्ट हो, चाहे ईस्ट वेस्ट, चाहे ओवरसीज, कोई भी जगह हो, रैम्पेज तो आएगी, सुनामी तो आनी पक्की है। अभी इसके बाद और क्या अपडेट्स आती रहती है मैं आपको ड्यूरिंग द डे अपडेटेड रखूंगी, लेकिन इस नंबर को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is first of all.